Hello and assalamu alaikum. Welcome back to React.js beginner to expert course. आज मैं वापस आई हूँ लेक्चर 3 के साथ. इससे पहले कि हम लेक्चर 3 स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं उन सारी चीजों का जो कि हमने लेक्चर 2 में सीखी. लेक्चर 2 में हमने कुछ बेसिक एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स देखे React.js के, जिनमें शामिल है इवेंट हैंडलिंग, कंडीशनल रेंडरिंग, प्रॉप टाइप्स, लाइफ साइकिल मेथड्स, एरर बाउंड्रीज, हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट्स और दीगर कुछ कॉन्सेप्ट्स. आज के इस लेक्चर में जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में सीखे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें फिर हम कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके और कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे. तो आए शुरू करते हैं. तो हम शुरू करते हैं टर्मिनल खोल के और उस डायरेक्टरी में जाने से जिसमें हमने अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाना है. और उस डायरेक्टरी में जाके हम करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसका नाम हम रख देंगे ई कॉमर्स वेबसाइट और ई कॉमर्स ऐप. ओके, हमारा प्रोजेक्ट हो गया है. अब इसके अंदर मूव करते हैं ई कॉमर्स ऐप और इसे यहाँ पे रन कर देते हैं. ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है. अब हम जाएंगे VS कोड में. अब इसके SRC फोल्डर को थोड़ा सा चेंज करेंगे. इसमें से index.js में app.js कॉल हो रही है. app.js में से JSX को डिलीट करेंगे, अनयूज्ड इम्पोर्ट्स को हटा देंगे, app.css में से सारी css रिमूव कर देंगे, app.js में css के इम्पोर्ट रहने देंगे, app.test को हमें यूज़ नहीं करना, हम उसे भी डिलीट कर देंगे, logo.svg डिलीट कर देंगे, सेटअप टेस्ट की फाइल भी हम डिलीट कर देंगे. इस तरह हमने जो भी एक्स्ट्रा फाइल थी वो सारी डिलीट कर दी हैं. अब हम बनाएंगे एक ई कॉमर्स ऐप, सिंपल सी ई कॉमर्स ऐप, जिसमें एक प्रोडक्ट पेज होगा, एक कार्ट पेज होगा, ऐड टू कार्ट और डिलीट फ्रॉम कार्ट के ऑप्शन होगी और किसी भी प्रोडक्ट पे हवर करने से आपका वो कार्ट जो है उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज आएंगी और क्लिक करने से आपके पास एक मोडाल खुलेगा जिसमें आपके पास नेविगेशन के लिए दो बटन्स होंगे. एक तो होगा ऐड टू कार्ट, जिससे आपका प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन होगी कंटिन्यू शॉपिंग, जिससे आपका मोडाल क्लोज हो जाएगा और आप वापस प्रोडक्ट पेज पे आ जाएंगे. तो इसके स्ट्रक्चर को अगर सोचा जाए तो हमारे पास होना चाहिए एक प्रोडक्ट पेज, एक कार्ट पेज. तो एक प्रोडक्ट पेज का कंपोनेंट होना चाहिए और एक कार्ट पेज का कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि फिर एक रूट कंपोनेंट में कॉल होंगे जिसे हम app.js ही रख रहे हैं और उन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर फिर हम सारे मैकेनिज्म को डालेंगे. तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं SRC में और उसे कह देते हैं कॉम्पोनेंट्स. कॉम्पोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं प्रोडक्ट डॉट js और प्रोडक्ट डॉट css की. प्रोडक्ट डॉट js को हम बनाएंगे एक क्लास कॉम्पोनेंट और यहाँ पे मैं बीच में कट करके आपको दो यूज़फुल टिप्स देना चाहती हूँ. वो ये कि जब आप VS कोड यूज़ कर रहे होते हैं तो VS कोड हमें सर्टेन एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है जो कि हमारी डेवलपमेंट को आसान बना देती हैं. आज मैं आपको दो एक्सटेंशंस का बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मेरी रिएक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. सो आप यहाँ पे जो ये बिल्कुल एंड पे आइकन है एक्सटेंशंस का, हवर करने से आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपको ज़रूरी हो. तो फर्स्ट एक्सटेंशन जो मैं आप लोगों को इनक्रेज करूँगी इंस्टॉल करने के लिए वो है प्रीटियर, जो कि मेरे पास इंस्टॉल्ड है.
प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, कोड फॉर्मेटर एक्सटेंशन है। आप जब कमांड एस या कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अपनी फाइल को सेव करते हैं, तो यह आपकी फाइल को स्ट्रेटन आउट कर देती है, फॉर्मेट कर देती है, इंडेंटिंग ठीक कर देती है और प्रॉपर फॉर्मेट में आपकी फाइल को ले आती है। तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इनेबल ये खुद ही हो जाती है इंस्टॉलेशन के बाद। उसके बाद इसे सेटअप करने के यहाँ पे दो चार स्टेप्स लिखे हैं जिसमें आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ ये वाली ऑप्शन आपको ट्रू करनी है, फॉर्मेट ऑन सेव वाली, जिससे फिर ये काम होगा कि जब आप सेव प्रेस करेंगी तो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ये आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके ये काम कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, वो आपकी मर्जी, आप करना चाहें ना करना चाहें। मैंने सिर्फ ये ऑप्शन इनेबल की हुई है। सेकेंड एक्सटेंशन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स की। ये एक ऐसे एक्सटेंशन है जो कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखना की एबिलिटी देती है, जिससे आपके खुद ब खुद इम्पोर्ट्स वगैरह हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे कि मैं यूजुअली IMR लिखती हूँ जब मुझे इम्पोर्ट करना हो रिएक्ट, IMRC जब मुझे रिएक्ट और कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट करना हो। इस तरह के काफ़ी इन्होंने शॉर्ट हैंड्स दिए हुए हैं, कुछ मेथड्स के लिए भी दिए हुए हैं, कुछ सेट स्टेट वगैरह के लिए भी दिए हुए हैं। यहाँ से आप ये स्निपेट्स का कोड देख सकते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये कि आपका डेवलपमेंट टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो थी दो एक्सटेंशंस। आप चाहें तो इन्हें अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप ये इस कोड यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ। तो मैंने ये प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट बनाना है। यहाँ पे मैं इसे बनाऊँगी क्लास कंपोनेंट और ये हमने एक क्लास बना ली है प्रोडक्ट की। इसी तरह हम यहाँ पे हम स्टाइल्स को भी इंपोर्ट करवा लेंगे। इसी को हम कॉपी करेंगे, कंपोनेंट्स में हम एक और फाइल बनाएंगे, कार्ट पेज या cart.js की। एक और CSS फाइल बनाएंगे, cart.css की, और cart.js में हम product.js वाला ही कोड कॉपी कर देंगे और इसमें ऑल्टरेशंस कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए एक हेडर, जैसे कि यूजुअली वेबसाइट्स पर होता है। तो हम एक और कंपोनेंट यहाँ पे बना लेते हैं और इसे कह देते हैं हेडर, और हेडर की भी कॉरस्पॉन्डिंग CSS फाइल बना लेते हैं। header.js में header.js को हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ गए हैं। इन तीनों को हम इंपोर्ट करवाएंगे app.css में, और यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बना के हेडर प्रोडक्ट और कार्ट पेज को कॉल कर लेंगे। अब चलते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे हमारी चेंजेस रिफ्लेक्ट हुई हैं या नहीं। तो ये हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे रेंडर हो गए हैं। प्रोडक्ट और JS को हम बनाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट।
ये एक प्रोडक्ट को डिनोट करेगा। साथ ही हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट्स पेज डॉट जेएस होगा, और इसी तरह हम एक प्रोडक्ट्स पेज डॉट सीएसएस फाइल बनाएंगे, और प्रोडक्ट्स पेज के अंदर हम इंपोर्ट करवाएंगे प्रोडक्ट के कंपोनेंट को। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी। ऑब्वियसली पीछे से हमारे पास कोई प्रॉप आ रही होगी जिस पे हम ये आइट्रेट कर रहे होंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स हमने शो करनी है, बट एट द मोमेंट हम एक ही कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं। फ्रेगमेंट बना लेते हैं क्योंकि साथ ही मैं ये भी रेंडर करवाना चाह रही हूँ यहाँ पे के ये प्रोडक्ट्स पेज है। app.js में जाएंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स पेज को फ्रॉम कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स पेज, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज का कंपोनेंट इंपोर्ट करवा के यहाँ पे हम आई थिंक इंपोर्ट करवाना भूल गए हैं, एक्सपोर्ट करवाना भूल गए हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स पेज, और ये हमारे पास चारों कंपोनेंट्स रेंडर होकर आ गए हैं। अब सबसे पहले क्रिएट करते हैं हेडर। हेडर में हमारे पास एक डिव होगा जो कि बेसिकली हमारे हेडर कंपोनेंट को रैप कर रहा होगा। इसको हम एक क्लास नेम दे सकते हैं हेडर की, और यहाँ पे हम क्लास इंपोर्ट कर सकते हैं हेडर डॉट सी एस की फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दी, और हेडर को हम कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग दे देंगे। उसके बाद वापस अपने कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम हेडर के अंदर एक इमेज टैग खोलेंगे जिसमें हमारा लोगो आएगा, स्पैन होगा एक। यहाँ पे हम एक लोगो इमेज एक अभी फिलहाल ऐसे ही रैंडम स्ट्रिंग डाल देते हैं। अब हम एक कोई रैंडम लोगो उठाएंगे इंटरनेट से और उसकी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा फिर हम कुछ आइकन्स उठाएंगे फ्लैट आइकन से, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह अपने पास ऐड कर सकते हैं। flaticon.com, यहाँ से कार्ट का आइकन कोई भी उठा लेते हैं, और सिंपली हम यहाँ पे इसकी SVG को डाउनलोड कर लेंगे। SVG को हम डाउनलोड करके रख देंगे इस फोल्डर के अंदर, SRC के अंदर। आप एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, इसको कह देंगे इमेजेस, और यहाँ पे आप अपनी SVG को रख देंगे। वापस अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे अपनी SVG को फ्रॉम कंपोनेंट्स और इस शॉपिंग कार्ट इमेज को आप एक और इमेज टैग यहाँ पे लेंगे और उसके सोर्स एट्रीब्यूट में इमेज का लिंक ऐड कर देंगे .svg, और यहाँ पे हम एक H1 टैग लेंगे और इसको लोगो कह देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया है। हमारी SVG बहुत ह्यूज है, इसे हम डाउन साइज कर लेते हैं। इमेज पे लगा देते हैं एक क्लास नेम जो कार्ट आइकन, जिसका नाम हो सकता है, यहाँ पे एच छोटा कर देते हैं। बाय कन्वेंशन क्लास नेम्स छोटे होते हैं, और यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं कार्ट आइकन की,
उसकी हाइट रख देते हैं 70 pixels, विड्थ ऑटो, और चेंजेस देखते हैं रिफ्लेक्ट हुई। यस, मेरे ख्याल से हाइट हम मज़ीद छोटी कर देते हैं, 40 वुड बी गुड इसमें। ऑल राइट, अब हम अपने ज़रा कंटेंट को अरेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ ही हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और ये तीनों हमारे लाइन हो गए हैं। स्पेस बिटवीन के बजाय अगर हम स्पेस अराउंड कर लें तो हमारी सराउंडिंग्स में भी स्पेसिंग खुद ब खुद फ्लेक्स ऐड कर देगा। अब हमने ये करना है, कुछ बेटर अलाइनमेंट कर देते हैं ताकि हमारा माय कार्ट और कार्ट आइकन एक साथ आ जाए और लोगो जो है वो दूसरी साइड पे चला जाए। उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैंने हेडर के कुछ कस्टम स्टाइल्स लिखे हुए हैं, वो इनपुट कर दूंगी। इसके अलावा माई कार्ट क्लास में कुछ स्टाइल्स लिख लूँगी। इसी तरह H1 जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको हम विड्थ दे देंगे 90%। तो ये मेजर पार्ट हेडर का ऑक्यूपाई कर ले। तो ये हमारा हेडर कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम आएंगे प्रोडक्ट पेज के लेआउट की तरफ। ओके, अब हम अपने प्रोडक्ट पेज के अंदर कुछ इस तरीके से JSX लिख देंगे, जिसमें हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स रैपर, कंटेंट रैपर, और उसके अंदर हमारे पास होगा एक टाइटल H1 टैग के अंदर, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि काउंट शो करेंगे, और उसके अंदर होगा हमारा वो कंटेंट जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट कॉल हो रहा होगा लूप के अंदर, जितने प्रोडक्ट्स हमने शो करवाने हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे हम CSS भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पेज डॉट CSS, और इस फाइल के अंदर हम इन सारी क्लासेस की CSS डाल देते हैं। प्रोडक्ट डॉट JS के अंदर हम एक रैंडम डिव बना देते हैं जिसे कह देते हैं आइटम प्रोडक्ट हेयर। यहाँ पे हम अपने टर्मिनल को एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, तो इसे फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। और npm start प्रोडक्ट्स पेज पे हमारे पास ऑलराइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेट कर लेते हैं प्रॉप्स में। और प्रोडक्ट्स पेज कॉल हो रहा है हमारा ऐप डॉट js में, तो यहाँ से हम फिलहाल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भेज देते हैं 0। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट दे देते हैं टोटल आइटम्स और इसको हम मूव कर देते हैं प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पेज बन गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास दो लाइंस में क्यों आ रहा है। वापस जाते हैं हेडर डॉट css में। एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्लास नेम H1 को दे दिया जो कि मुझे इसे देना चाहिए था, और अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। अब हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट के कंपोनेंट के ऊपर
और वहाँ जाके एक कार्ड डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आएंगे। सो यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं और उसे कह देते हैं आइटम कार्ड डॉट जे एस, और इसी तरह एक और कंपोनेंट बना एक और सी एस एस फाइल बना लेते हैं आइटम कार्ड डॉट सी एस एस। आइटम कार्ड के अंदर हम बनाते हैं एक फंक्शनल कंपोनेंट। इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक div बना लेते हैं जिसका क्लास नेम दे देते हैं कार्ड रैपर, और इसकी प्रॉपर्टीज साथ ही डिफाइन कर देते हैं सीएसएस फाइल में। बॉक्स शेडो दे देते हैं हम, कलर हम दे देते हैं और यहाँ पे हम एक और डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर हम एक HT टाइटल में लिखते हैं आइटम नेम, और यहाँ पे आ जाएगा आइटम प्राइस, और साथ ही हम एक इमेज अटैच कर देंगे जिसके अंदर हमारा कार्ड का इमेज आ जाएगा। इमेज ऐड करने से पहले हम यहाँ पे करवा लेते हैं इसे एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हम अब इंपोर्ट करवा लेते हैं इमेज। ये काम हमने किया हुआ है हेडर के अंदर, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इंपोर्ट को और पेस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर शॉपिंग कार्ट को, और इसे पेस्ट कर देते हैं आइटम कार्ड के अंदर। आइटम कार्ड के अंदर हम शॉपिंग कार्ड के इमेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं। आइटम कार्ड इसका नाम रख लेते हैं। प्रोडक्ट डॉट जे एस में जाते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं अपने आइटम कार्ड को। एक्चुअली ये हमने बना लिया है SRC के अंदर। आइटम कार्ड को हम वापस से मूव कर देते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हम आइटम कार्ड को इंपोर्ट करवा लेते हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम आइटम कार्ड को कॉल कर लेंगे। आइटम कार्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमारी इमेजेस में .svg के एक्सटेंशन ऐड करेंगे। और इस तरीके से हमारा एक कार्ड बन गया है। इसको हम कुछ बॉक्स शेडो दे देंगे और इसमें ट्वीक्स कर लेंगे ताकि हमारा कार्ड जो है वो इतने बड़े साइज में शो ना हो। वापस जाएंगे आइटम कार्ड की CSS में, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉमा रिमूव करेंगे।
इसको कर देंगे 3 pixels, इसको भी कर देंगे 3 pixels, और आइटम कार्ट के अंदर हम CSS को भी इंपोर्ट करवाएंगे। कार्ट आइकन को एक क्लास नेम दे देंगे। यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक इमेज जो कि हम इंटरनेट से अभी डाउनलोड करेंगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा इसके सोर्स के अंदर। इस कार्ड को हम दे देंगे थोड़ी सी पैडिंग। एज वेल एज मार्जिन विड्थ रिड्यूस करके 200 कर देंगे और हाइट को भी हम 250 कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे और ये हमारे पास एक कार्ड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आइटम कार्ड में हम इमेज को कंडीशनली रेंडर करवाएंगे, यानी कि जब वो खाली हवर हो तो हमारे पास शो हो, अदरवाइज नहीं। बेसिकली रेंडर हम करवाएंगे लेकिन शो हाइड हम बेस्ड ऑन CSS करवाएंगे। हवर की प्रॉपर्टी कार्ड रैपर पे ऐड करेंगे। सो कार्ड रैपर पे हवर का सेलेक्टर लगाने के बाद आगे अपेंड कर देंगे ऐड टू कार्ड वाली क्लास। इसका ये मतलब होगा कि कार्ड रैपर पे जब भी हवर हो तो ऐड टू कार्ड पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। तो इसमें डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ और हाइट हमने प्रोवाइड ऑलरेडी की हुई ऐड टू कार्ड को। इसी तरह डॉट ऐड टू कार्ड लिख के हम उसमें डिस्प्ले नन कर देंगे। सो इस पूरी लॉजिक का ये मतलब होगा कि जब हवर हो तो इमेज शो हो, अदरवाइज ना हो। नेक्स्ट अब हम इस बॉक्स के फार कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं। उसके लिए हम कार्ड रैपर को देते हैं पोजीशन रिलेटिव और इसको देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट को कर देते हैं 0 और बॉटम को भी कर देते हैं 0। और यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हवर करने पे बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है। सो इसको दे देते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट को एक बैकग्राउंड कलर रेड मेरे ख्याल से दे देते हैं और साथ ही दे देते हैं इससे पैडिंग 2 pixels की। या 5 pixels की और इस तरीके से हमारे पास कार्ट आना शुरू हो गया है।
अब हमारे पास स्ट्रक्चर सेट हो गया है, अब हमें इसमें डेटा डिस्प्ले करवाना है। डेटा हमने डिस्प्ले कहाँ करवाना है, कहाँ हम स्टेट सेट करेंगे, ये चीज़ अब हम देख लेते हैं। अब हम अगर अपने ऐप डॉट जे एस में जाएँ तो हम देख सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स पेज पे भी डेटा चाहिए। जैसे कि हमने एक फील्ड तो डिटरमिन कर ली है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के अलावा हमें प्रोडक्ट डिटेल्स भी चाहिए जो कि हम फिर फर्दर सेंड करेंगे अपने प्रोडक्ट डॉट जे एस कॉम्पोनेंट को, ताकि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को हम अपने एक एक कार्ड में डिस्प्ले करवा सकें। तो प्रोडक्ट्स पेज को तो डेटा सेंड करना ही है, इसके अलावा कार्ड को भी हमें डेटा सेंड करना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आइटम सेलेक्ट किया गया होगा उसका नेम या आईडी प्लस उसकी प्राइस और कुछ फर्दर डिस्क्रिप्शन वगैरह, इस तरह की डिटेल्स हमें कार्ड पेज में भी सेंड करनी होगी। तो जो हमने सेकंड लेक्चर में लिफ्टिंग स्टेटअप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके मुताबिक हमें स्टेट जो है अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर सेट करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर हम स्टेट प्रोडक्ट पेज के अंदर सेट करेंगे तो स्टेट में लेट से हम कोई सिलेक्टेड आइटम डाल दें तो वो कार्ट को विजिबल नहीं होगा, और हमें ये डिटरमिन करने में मुश्किल होगी कि कौन सा एलिमेंट हमने एज ड्रॉप कार्ट में भेजना है। इस केस में फिर हम ऐप को बनाएंगे क्लास कंपोनेंट, क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और इसके अंदर हम बना देंगे एक रेंडम मेथड। रेंडम मेथड के अंदर रिटर्न होगा हमें जो हमारी करंट CSS है, JSX है। अब यहाँ पे हम बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर, जैसे कि हमने पहले बहुत दफ़ा बनाया है सुपर की। इसमें सुपर का मेथड कॉल करेंगे, प्रॉप सेंड करेंगे एज एन आर्गुमेंट, और यहाँ पे हम स्टेट में अपना डेटा सेट कर लेंगे। इसको हम कह देते हैं आइटम्स डेटा, और ये एक एरे होगी। यहाँ पे मैंने मॉक डेटा क्रिएट किया हुआ है। इस मॉक डेटा को बेसिकली मैं सेंड करवाऊंगी अपनी स्टेट में। आप खुद से भी मॉक डेटा क्रिएट कर सकते हैं, या ऑनलाइन साइट्स होती हैं वहाँ से आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक आइटम की ये चार डिटेल्स होना ज़रूरी है, और मेरी स्टेट में ये सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी स्टेट से, या फिर यहाँ रिस्ट्रक्चर करवा लूँगी अपनी स्टेट को कुछ इस तरीके से, आइटम्स डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट और आइटम्स डेटा डॉट लेंथ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम सेंड करेंगे आइटम्स डेटा, जिसके अंदर हम सेंड करेंगे आइटम्स डेटा को। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट में हमारे पास एक और स्टेट रखेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सेलेक्टेड आइटम, और फिलहाल सेलेक्टेड आइटम को हम रख देंगे एक एरे, एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे रखने का मकसद ये है कि एरे रखने का मकसद ये है कि आपके पास मोर देन वन सेलेक्टेड आइटम्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे आइटम्स जो हैं उनकी डिटेल्स एज एन ऑब्जेक्ट बन के इसमें एडअप होती जाएंगी। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पेज में और उसमें हैंडल करते हैं जो हमने प्रॉप सेंड की है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और आइटम्स डेटा की प्रॉप हम सेंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम शो करवा देंगे टोटल आइटम्स के साथ, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे आइटम्स आइटम डेटा के ऊपर, और इसके अंदर हर आइटम पे हम एक प्रोडक्ट को रिटर्न करवा देंगे जिसके अंदर हम आइटम डिटेल्स की एक प्रॉप भेजेंगे और उसके अंदर हम अपना आइटम सेंड कर देंगे।
अब हम चलेंगे अपने प्रोडक्ट और जेएस के अंदर और यहाँ पे हम प्रॉप्स में ही डीस्ट्रक्चर करवा लेंगे आइटम डिटेल्स को, क्योंकि वही हमें रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और आइटम डिटेल्स में यहाँ पे हम आइटम कार्ड के अंदर भेज देंगे। नेम, यहाँ पे हम नेम आइटम डिटेल्स डॉट नेम, प्राइस आइटम डिटेल्स डॉट प्राइस, डिस्क्रिप्शन आइटम डिटेल्स डॉट डिस्क्रिप्शन सेंड कर देंगे। फिर हम जाएंगे आइटम कार्ट के अंदर और आइटम कार्ट के अंदर यहीं पे हम डीस्ट्रक्चर करवा लेंगे अपनी प्रॉप्स को, नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन के साथ। आइटम नेम के जगह आ जाएगा हमारे आइटम का रियल नेम, प्राइस की जगह हम पेस्ट कर देंगे अपने प्राइस प्रॉप को, और डिस्क्रिप्शन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐप डॉट जे एस में एक फील्ड जो मैं अपने डेटा में डालना भूल गई हूँ वो है इमेजेस की फील्ड, तो वो भी आप मॉक लिंक्स अपने ऐड कर सकते हैं इमेज के टैग पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी रख लेती हूँ इमेज, और यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड कर देती हूँ इमेज का। इमेज की यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ऐड करवा दी है। अब मैं जाऊँगी प्रोडक्ट डॉट जे एस में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बजाय मैं सेंड करूँगी इमेज, और आइटम डिटेल्स में से इमेज की प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करके वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। फिर मैं जाऊँगी आइटम कार्ड के अंदर और आइटम कार्ड में यहाँ पे SRC में, यहाँ पे SRC में मैं इमेज गेट कर लूँगी और उसे सोर्स में सेंड कर दूँगी। लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड सी के हमारे पास ओके डेटा यहाँ पे उसे नहीं मिल रहा। ये हमने गलती की हुई थी कि एक इक्वल साइन लगाया हुआ था, और इस तरीके से हमारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोडक्ट पेज में हम जाएंगे और यहाँ पे इसको हम रखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ से हम हटाएंगे कर्ली ब्रेसेस को और यहाँ पे इसे आइटम डेटा अमेजिंगली अनडिफाइंड आ रहा है। पीछे से सेंड हमने क्या किया है हम एक दफ़ा वो भी देख लेते हैं। तो ये है आइटम्स डेटा और आई थिंक यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आइटम डेटा, तो ये इशू हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम आइटम के नेम्स और उनकी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे शो हो गई हैं। अब हमारे सारे आइटम्स एक दूसरे के नीचे लिस्ट डाउन हो रहे हैं। इसका हल ये होगा कि हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स पेज के अंदर और कंटेंट रैपर के अंदर, कंटेंट रैपर के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और तो हम कंटेंट रैपर के बजाय डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। प्रोडक्ट सेक्शन पे और कुछ इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स वो डिस्प्ले हो गए हैं। यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट सेक्शन से ताकि ये ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आए। तो हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पेज पे, प्रोडक्ट्स पेज पे जाके इस पैन को हम यहाँ से एक्सक्लूड करके और यहाँ पे ऐड कर देंगे, और अगर नीड हुई तो इसको फिर हम स्टाइल भी कर लेंगे। तो टोटल आइटम्स पे हम एक क्लास नेम लगा देते हैं जिसे कहते हैं टोटल आइटम्स,
और यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं टोटल आइटम्स की। टोटल आइटम्स प्रोडक्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पे टोटल आइटम्स, तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब इसमें इमेजेस शो नहीं हो रही तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। वो कर देते हैं इमेज और लेट्स गो बैक टू आर ऐप। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। यहाँ पे इमेज ना आने की रीज़न क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इमेज के साइज को भी सेट कर सकते हैं। इंस्टेड के 200 है, सारे इमेज के साइजेस को 150 कर देते हैं। अपनी ऐप में जाके देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। थोड़ी सी इसमें स्टाइल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो भी कर लेते हैं। कंटेंट रैपर को भी हम हाइट यहाँ पे 100 VH दे देते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं और ये हमारे आइटम्स अब सेंटर अलाइन हो गए हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो अभी भी वाइट है और स्मॉल साइज में है। हम हाइट रिमूव कर देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसकी UI तैयार हो गई है और उस पे डेटा भी डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट हमने इस पे जो काम करवाना है वो है इवेंट हैंडलिंग का, यानी कि जब इस पे क्लिक हो तो मोटार खुले, इस पे क्लिक हो तो वो कार्ट पेज पे जाए। इसके अलावा हम कार्ट पेज की UI बनाएंगे और कार्ट पेज से वापस प्रोडक्ट पेज पे किस तरह आना है और प्रोडक्ट पेज से कार्ट पेज पे किस तरह जाना है, और इसके अलावा जितने भी हमारे एप्लीकेशंस में बटन होंगे उनकी इवेंट हैंडलिंग हैंडल करेंगे। अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, इसे क्लास नेम दे देते हैं कार्ट मॉडल का। इस मॉडल के अंदर होगा एक H3 एलिमेंट जिसमें आ जाएगा, इसके अलावा इसके अंदर होगी आइटम की इमेज, इसके अलावा इसके अंदर होगी आइटम की डिस्क्रिप्शन, साथ ही इसके अंदर होगी आइटम की प्राइस, और इसके अलावा इसके अंदर होंगे दो बटन्स, एक होगा ऐड टू कार्ट और एक बटन होगा कंटिन्यू शॉपिंग का। ये हमारे मोडाल का एक लेआउट है, इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम डेटा किस तरह से शो करवाएंगे। ये तो है हमारे मोडाल का लेआउट। अब हम अपने कार्ट के आइकन को जिसे हमने हवर पे डिस्प्ले करवाया है उस पे ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं ताकि ये मोडाल विजिबल और हाइड हो सके। सो यहाँ पे हम app.js में जाएंगे और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे ऑन कार्ट क्लिक। इसके अंदर हम एक स्टेट सेट करवाएंगे, पहले यहाँ पे स्टेट रख लेते हैं कार्ट ओपन की, जिसे फॉल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे इसे सेट करवा देंगे दिस डॉट सेट स्टेट कार्ट ओपन टू ट्रू। ये हैंडलर हम पास करवाएंगे प्रोडक्ट्स पेज के अंदर। प्रोडक्ट्स पेज के अंदर यहाँ पे इसे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और इसे फर्दर सेंड करवाएंगे हम प्रोडक्ट के कंपोनेंट के अंदर। प्रोडक्ट के कंपोनेंट के अंदर हम इसे फर्दर सेंड करवाएंगे आइटम कार्ड के कंपोनेंट के अंदर।
और आइटम कार्ड में यहाँ पे हम एड टू कार्ट के इमेज पे ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे और यहाँ से हम इसे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे अपने ऑन कार्ड क्लिक मेथड को और यहाँ हम इसे कॉल करवा देंगे। साथ ही हम ऐप डॉट जे एस में जो हमने स्टेट सेट की है कार्ट ओपन की वो स्टेट भी सेंड करवा देंगे और प्रोडक्ट पेज के अंदर इसको हम गेट कर लेंगे और प्रोडक्ट पेज के अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे जो कि डिटरमिन करेगी कि हमने मोडाल को शो करना है या नहीं करना। सो यहाँ पे हम कार्ड ओपन अगर ट्रू होगा तो ये मोडाल शो करवाएंगे, अदरवाइज इस मोडाल को हम नल रखेंगे। यहाँ से हम सेमी कॉलन रिमूव करेंगे और अब बेसिकली हम एक हैंडलर बनाएंगे जो कि ये हैंडल करेगा कि आपका मोडाल अगर मोडाल के आसपास किसी एरिया पे क्लिक हो जो कि मोडाल के अंदर नहीं आता तो आपका मोडाल क्लोज हो जाए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और यहाँ पे हम अपना विंडो को एक ऑन क्लिक फंक्शन देंगे जिसके अंदर बेसिकली हम अपने मोडाल को हाइड करवा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले एक कांस्टेंट बना लेते हैं मोडाल का जो कि हमारे एलिमेंट को गेट करके लाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं इस मोडाल को कार्ट अंडरस्कोर मोडाल गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम देखेंगे कि इवेंट जो हमें रिसीव हुआ है इवेंट डॉट टारगेट डॉट मोडाल इवेंट डॉट टारगेट इज इक्वल टू मोडाल वी विल हाइड द मोडाल बाई डूइंग समथिंग लाइक दिस मोडाल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन एंड ये कंडीशन हमारी टर्नरी से पीछे चली जाएगी। अदरवाइज इसकी वैल्यू ब्लॉक रहेगी। इज नॉट इक्वल टू मोडाल तो मोडाल का स्टाइल नन हो जाएगा अदरवाइज ब्लॉक रहेगा। अब वापस चलते हैं ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो ऑन कार्ट क्लिक इज नॉट डिफाइंड ये एरर आ रहा है प्रोडक्ट डॉट जे एस में तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। ऑलराइट यहाँ पे हम इसे डिस्ट्रक्चर करवाना भूल गए हैं। एप डॉट जे एस में यहाँ पे हम कुछ फिक्स करेंगे डी स्मॉल हो जाएगा और दोबारा से हम अपने ब्राउजर में देखते हैं। ये हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके अभी हमने अपने मोडाल को कोई स्टाइल नहीं दिया हुआ सो स्टाइल्स देते हैं इस मोडाल को। प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे यहाँ पे कार्ट मोडाल
एक क्लास बनाएंगे, हाइट इसकी सेट कर देंगे हम। थ्री हंड्रेड पिक्सल्स विड्थ इसकी हम सेट कर देंगे 250 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर इसका हम वाइट ही सेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम कार्ड पे अगर क्लिक करें तो इट्स नॉट क्लिकेबल। इसको डीबग करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। डीबग करने का तरीका ये है कि आप कमांड आई या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्सेज के टैब में जाके मोर ऑप्शंस में जाके ओपन फाइल करेंगे और उस फाइल में जाएंगे जिस फाइल के अंदर आपने किसी लॉजिक को डीबग करना है। सो यहाँ पे मैंने क्योंकि हैंडलर को डीबग करना है और देखना है कि मेरा हैंडलर में कंट्रोल आ रहा है या नहीं या ऑन क्लिक हो रहा है या नहीं, तो मैं सबसे पहले जाऊँगी ऐप डॉट जे एस में और ऐप डॉट जे एस में जहाँ पे मैंने अपना हैंडलर लिखा हुआ है इसके अंदर एक ब्रेक पॉइंट लगा दूंगी जिससे मुझे पता चलेगा अगर यहाँ पे मेरा ब्रेक पॉइंट पे कंट्रोल आके रुका तो इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा कंट्रोल आ रहा है और एप्लीकेशन में कहीं और मसला है। इसी तरह मैं जाऊँगी आइटम कार्ड की फाइल के अंदर जहाँ पे मैंने ये हैंडलर को कॉल किया है और इस तरीके से यहाँ पे मैं डीबगर लगाऊंगी चेक करने के लिए कि मेरा ऑन क्लिक रिसीव हो रहा है सही से यानी और फायर हो रहा है यानी। सो अब इसे ट्राई आउट करते हैं। मैंने हवर किया और अब मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरा कंट्रोल यहाँ पे आया है जिसका ये मतलब है कि मेरा ऑन कार्ड क्लिक मेथड जो है वो ट्रिगर हो रहा है। यहाँ से मेरी स्टेट सेट हो रही है सही तरीके से या नहीं हो रही। अगर हम एक डीबगर प्रोडक्ट्स पेज के अंदर जाके भी लगा लें जहाँ पे हम कार्ट ओपन को गेट कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कार्ट ओपन की वैल्यू क्या आ रही है। सो हमारी कार्ट ओपन की वैल्यू ट्रू आ रही है जैसे हमें ये पता चल रहा है कि प्रॉप सेंड होने में भी कोई इशू नहीं है। अब इस प्रॉप के बेसिस पे जो ये री रेंडरिंग हो रही है इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने डीबगर रन किया, कार्ट ओपन ट्रू है, फंक्शनैलिटी इज़ वर्किंग फाइन। साथ ही हम अपनी स्टेट सेट कर देते हैं दिस डॉट सेट स्टेट और कार्ट ओपन को फॉल्स वैल्यू दे देते हैं। इसका फ्लैग सही से सेंड नहीं करवाया तो ये हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। तो मैं अगर इसे कार्ट ओपन सेंड करवा दूँ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसे तो अब हमारा मोडल हाइड हो चुका है। मोडल को की स्टाइलिंग पे कुछ बेहतरी ले आते हैं। हाइट हम इसे दे देते हैं 700 और विड्थ हम दे देते हैं 500। लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन दिस तो हमारा मोडल तो शो हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से बाहर क्लिक करूँ तो ये हाइड नहीं हो रहा। एनीवेज हम इसकी स्टाइलिंग को पहले बेहतर बना लेते हैं और उसके लिए अब वापस जाते हैं कार्ट मॉडल की क्लास में और यहाँ पे हम पैडिंग ऐड कर देते हैं तकरीबन 25 पिक्सल्स। इसके अलावा हम लेफ्ट से 50% कर देते हैं, राइट हटा देते हैं, टॉप से 25% इज़ फाइन।
पैडिंग ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा इसे हम दे देते हैं एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम इसे दे देते हैं बॉक्स शैडो। लेफ्ट आई थिंक पोजीशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो हम इसे लेफ्ट को कम करके 30% कर देते हैं और ये सही लग रहा है। इसके अंदर के आइटम्स को अब हम स्टाइल कर लेते हैं। कार्ट मोडल के अंदर के दोनों बटन्स को एक साथ स्टाइल करने के लिए विदाउट एडिंग अ ग्लास ऑन इट हम यहाँ पे बटन एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले तो इन्हें विड्थ दे देंगे हम तकरीबन 100 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। टेक्स्ट का कलर आई थिंक ब्लैक ही रहने देंगे। टेक्स्ट को हम अलाइन कर लेंगे सेंटर। पैडिंग दे देंगे तकरीबन 10 पिक्सल्स की। हाइट हम दे देंगे तकरीबन 70 या 80 पिक्सल्स की। इसके अलावा हम बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देंगे 4 पिक्सल का। मार्जिन दे देंगे तकरीबन 10 पिक्सल्स का और कार्ट मोडल के अंदर हमने फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज लगाई हैं इनको रिमूव करके देखते हैं और हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो चुके हैं। हाइट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाइट को हम ले आते हैं 300 पिक्सल्स पे और दोनों बटन को हम हाइट कम करके 60 पिक्सल्स कर लेते हैं। या 50 कर लेते हैं और इन बटन्स को हम पोजीशन कर देते हैं बॉटम ऑफ द मोडल में। राइट से तकरीबन इसे 10 पिक्सल्स दे देते हैं और बॉटम से भी 10 पिक्सल्स दे देते हैं और कार्ट मोडल को हम पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। ओके यहाँ पे इशू ये है कि हमने दिस डॉट स्टेट यूज़ किया है जबकि यहाँ पे हम स्टेट को रिटर्न करवाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से रिटर्न करवानी है स्टेट। ओके यहाँ पे हमारे पास मोडल शो नहीं हो रहा क्योंकि इस पे हमने डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी अभी तक नहीं लगाई है। प्रोडक्ट पेज में जाएंगे कार्ट मोडल और बेसिकली ऐप डॉट जे एस में यहाँ पे जो हमने स्टाइल को डिस्प्ले नन किया है ये करने के बजाय हम सिंपली कार्ट ओपन को फॉल्स कर देंगे और उस बेसिस पे डिस्प्ले क्लिक करवा देंगे या हाइड करवा देंगे। सो हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हम CSS यूज़ करते हुए पहले डिस्प्ले ब्लॉक करवाते जब हमारा फ्लैग ट्रू होता और इनलाइन स्टाइल में हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ब्लॉक करवा देते और जब हमारे वही प्रॉप जो है फॉल्स हो जाती तो हम अगेन इनलाइन प्रॉपर्टी भेजते स्टाइल की जिसमें हम डिस्प्ले को हिडन करवा देते या नन करवा देते। तो
ये एक तरीका था, और सेकंड तरीका था कि आप क्रॉप्स को यूज़ करते हुए कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ करें। तो मैंने कंडीशनल रेंडरिंग को यूज़ किया है। अब देख लेते हैं कि मोडाल हमारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। मोडाल हमारा डिस्प्ले हो रहा है, पर ये डिस्प्ले हो रहा है बॉटम ऑफ द पेज पे, विच मीन्स इसके पोजीशन में कोई मसला है, तो वो देख लेते हैं। और एक और मसला यहाँ पे ये है कि बटन्स क्योंकि मैंने एक साथ स्टाइल किए हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं, तो इस चीज़ को भी फिक्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स पेज डॉट सी एस एस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पोजीशन को रिलेटिव सेट किया है, और इस वजह से ही ये सारा इशू आ रहा है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे आ गया है, और अब मुझे अपने बटन्स को स्टाइल करना है। सो मैं बटन्स को मेरे ख्याल से रैप कर लूँगी एक डिफरेंट डिव में। इस डिव के अंदर मैं दोनों बटन्स को ऐड करवा दूँगी। और इस डिव को मैं नेम दे दूंगी बटन रैपर, और इस बटन रैपर पे मैं ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लूंगी, जिसमें होगा डिस्प्ले फैक्स, और इसके अलावा इसके अंदर फिर फर्दर मैं स्टाइलिंग करूंगी बटन्स की इस तरह से, और यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगी पोजीशन और बाकी सब कुछ एज इट इज रखूंगी। डिस्प्ले भी रिमूव कर दूंगी, और यहाँ से मैं विड्थ रिमूव कर दूंगी और बटन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिमूव करके खाली पोजीशन को सेट करवा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन तो सेट हो गई है, हमारे स्टाइल्स अप्लाई नहीं हुए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ एक्चुअली मैंने बटन्स लिख दिया है, ये होना बटन चाहिए, और अब हमारा मोडाल जो है वो तैयार है। अब हम अगर बाहर कहीं क्लिक करें तो देखते हैं कि मोडाल हाइड होता है या नहीं। तो ये फिलहाल नहीं हो रहा। अब हमने मोडाल के ओपन होने का पूरा मैकेनिज्म प्लेस कर दिया है, लेकिन अभी हम इसे क्लोज करने के मैकेनिज्म को अपनी ऐप के अंदर डालेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि कंपोनेंट डिट माउंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे माउस डाउन पे, जो कि ये वो इवेंट डिटेक्ट करेगा जब भी हमारे विंडो में किसी चीज़ पे भी क्लिक हो, और उस पे एक हैंडलर रन होगा हैंडल क्लिक आउटसाइड के नाम से, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। और इसमें मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर स्टेट में कार्ट ओपन की वैल्यू ट्रू है, सिर्फ उस केस में ये कार्ट ओपन को फॉल्स कर दे, अदरवाइज ये कुछ ना करे। तो अब लेट्स चेक कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। ये मैंने अपना कार्ट खोला और इस पर क्लिक करने से ये हाइड हो रहा है। एक स्लाइट सी एस एस चेंज कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स पेज के अंदर हमने प्रोडक्ट्स रैपर को जो हाइट दी हुई है इसे रिमूव कर देते हैं, और ओके ग्रेट, माय प्रोडक्ट पेज तैयार है।
अब इसके दोनों हैंडलर्स को हमने हैंडल करना है। वापस जाएंगे अपने ऐप डॉट जे एस में, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक और हैंडलर और इसे कहेंगे ऑन कंटिन्यू शॉपिंग। और ऑन कंटिन्यू शॉपिंग में हम दो काम करवाएंगे, एक तो हम मोडाल को क्लोज करवाएंगे जिसके लिए हम हैंडल क्लिक आउटसाइड वाली ही लॉजिक को कॉपी करेंगे। और सेकंड काम हम करवाएंगे कि जो एलिमेंट जिस एलिमेंट पे हमने कार्ट खोला है वो एलिमेंट की डिटेल्स हम अपनी स्टेट में सेलेक्टेड एलिमेंट के अंदर सेव करवा देंगे। उसके लिए हम जब ऑन कार्ट क्लिक करेंगे तो साथ ही आइटम को भी सेंड करेंगे और उसे स्टेट में सेव करेंगे। उसके लिए हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि आइटम कार्ट में ऑन कार्ट क्लिक के अंदर हम सेंड करेंगे पूरे आइटम को और यहाँ पे हम इस आइटम को डिस्ट्रक्चर करवा के और इसकी वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे, जैसे कि नेम, प्राइस, इमेज और डिस्क्रिप्शन नहीं है, और ऑन कार्ट क्लिक। और आइटम के साथ यहाँ पे हम एक्चुअली यहाँ से आए गए और कुछ इस तरीके से हम आइटम को सेंड कर देंगे ऑन कार्ट क्लिक में। अब ये वैल्यूज आइटम कार्ट में आ रही है प्रोडक्ट के अंदर से, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एक आइटम की प्रॉप भेजेंगे जिसके अंदर आइटम डिटेल्स आ रही होंगी और ऐप डॉट जे एस में यहाँ पे हम ऑन कार्ट क्लिक में रिसीव करेंगे आइटम डिटेल्स को, जो कि कार्ट ओपन को ट्रू जब हम करवाएंगे साथ ही हम सेलेक्टेड आइटम जो यहाँ पे हमने प्रॉपर स्टेट रखी हुई है सेलेक्टेड आइटम्स कर लेते हैं। इसे सेलेक्टेड आइटम्स में अपेंड करवा देंगे। इक्वल अगर हम करवाएंगे तो अगर इसमें ऑलरेडी कोई एलिमेंट हुआ तो वो उसे रिप्लेस कर देगा, इसलिए हम इसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। लेकिन ये सेलेक्टेड आइटम्स हमारे पास किस तरह आएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो कि रिटर्न करेगा हमें हमारी स्टेट जो हमने न्यूली सेट की होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास आ रही होगी प्रीवियस स्टेट और प्रीवियस स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम्स करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास सेलेक्टेड आइटम्स की स्टेट में आ जाएंगे। जब हम ऑन कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो हमें सिंपल अपना कार्ट क्लोज करवाना होगा। तो यहाँ पे हम एक इशू नोट कर रहे हैं कि अगर हम मोडाल के ऊपर भी क्लिक करें तो वहाँ मोडाल क्लोज हो जाता है। अगर आप नोट करें तो हमने ये लॉजिक लगाई हुई है कि अगर इवेंट और टारगेट जो है वो मोडाल एलिमेंट के इक्वल ना हो तो फिर हमारे वो कार्ट को क्लोज कर दे या उसकी स्टेट को फॉल्स कर दे, तो ये लॉजिक रन हो रही है। इसके लिए हम और ऐप डॉट जे एस में जाएँ तो जहाँ पे हमने क्लिक आउटसाइड वाला हैंडलर बनाया हुआ है, तो एक वहाँ पे हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड इज इक्वल टू मोडाल, तो फिर आप नॉट इक्वल टू
मोडाल तो फिर आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने दो कंडीशंस को ट्राई आउट किया है, जिसमें मैंने बटन के आईडीज गेट करवा के और उनसे फिर चेक लगाया है कि अगर ये बटन का आईडी हो तो फिर हमारा मोडाल जो है वो क्लोज ना हो, और अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट आए तो वो क्लोज हो जाए। लेकिन ये जो लास्ट में हम कंडीशन लगाएंगे, ये प्रिवेंट करेगी हमें कि हम कोई और कंडीशन लगाएं, और ये सफिशेंट होगी मोडाल के अंदर के तमाम एलिमेंट्स के लिए। बिकॉज़ ये कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट हो जिसका पेरेंट मोडाल हो तो आपने मोडाल क्लोज नहीं करना, तो ये मोडाल के तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी। ये चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूं तो वो क्लोज़ नहीं हो अब रहा। हमारे चेक सही हुए हैं तो हमारा प्रिंट हुई है स्टेट, जिसमें कार्ट ओपन आइटम्स डेटा और सिलेक्टेड आइटम्स पड़े हैं। सिलेक्टेड आइटम के अंदर जिस हमने आइटम पे क्लिक किया था वो अवेलेबल है, उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अब लेट्स से मैं एक और आइटम पे क्लिक करूं, डिबगर मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, एक्चुअली डिसेबल कर सकती हूँ। कंटिन्यू शॉपिंग करूँ, और अब अगर मैं अपने कंसोल पे देखूँ तो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स में दो डिफरेंट आइटम्स आ रहे हैं विद सम डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है। अब हम अपने ऐड टू कार्ट बटन को गो टू कार्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम आइटम सेलेक्ट जो है वो कंटिन्यू शॉपिंग बटन पे कर रहे हैं। सो हम इसका टेक्स्ट चेंज करके इसे गो टू कार्ट कर देंगे, जिस पे क्लिक करने से ये कार्ट पेज पे नेविगेट कर जाएगा। गो टू कार्ट की फंक्शनैलिटी रह गई है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करने से कार्ट में जाने कार्ट का पेज ओपन होने वाली फंक्शनैलिटी रह गई है, और यहाँ पे जो हमने आइटम से रिलेटेड डिटेल्स शो करवानी है वो रह गई हैं। तो हम वापस जाएंगे अपने ऐप डॉट जे एस में, और यहाँ पे जो हम सिलेक्टेड आइटम सेव करवा रहे हैं इन्हें हम पास डाउन करवा देंगे प्रोडक्ट्स पेज के अंदर। सिलेक्टेड आइटम्स को हम स्टेट से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, सिलेक्टेड आइटम्स को स्टेट से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। अब हम प्रोडक्ट्स पेज में जाएंगे और यहाँ पे हम गेट कर लेंगे सिलेक्टेड आइटम्स को, और सिलेक्टेड आइटम्स जो हमने गेट किए हैं यहाँ पे हम सेलेक्टेड आइटम की लास्ट इंडेक्स पे जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा उसका नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन और प्राइस शो करवा देंगे। लास्ट इसलिए क्योंकि मोस्ट रीसेंट जो है प्रोडक्ट वो हमेशा हमारे लास्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा। यहाँ पे बेसिकली मैं लास्ट आइटम का एक कांस्टेंट बनाऊंगी, जिसमें मैं सेलेक्टेड आइटम्स एग्जिस्ट अगर करते हैं तो सेलेक्टेड आइटम्स डॉट लेंथ -1 करवा के लास्ट आइटम को लास्ट आइटम के कांस्टेंट में सेव करवा दूंगी। अदरवाइज इसमें मैं नल सेंड कर दूंगी, और अब नल चेक में लगाऊंगी इस लास्ट आइटम पे, और लास्ट आइटम डॉट नेम, लास्ट आइटम डॉट इमेज, लास्ट आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन और लास्ट आइटम डॉट प्राइस करेंगे। ओके, नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन और प्राइस मेरे पास आ गई है। कंटिन्यू शॉपिंग, मैं सी फूड पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। मैं कंटिन्यू शॉपिंग एंड आई क्लिक ऑन डिज़र्ट्स तो मेरे पास डिज़र्ट्स आ गए हैं। हमें ETC और शॉपिंग बटन को अलग से हैंडल करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस पार्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, और हमारा कोड एफर्टलेसली बहुत आसान हो गया है। और
सो दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट हम चीज़ जो पढ़ेंगे वो है रिएक्ट राउटर, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हम किस तरह कार्ट पेज पे जा सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके और मोडाल के थ्रू भी। तो आइए देखते हैं रिएक्ट राउटर। ओके, हमने एक बेसिक सी ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है जिसमें एक मोडाल खुलता है क्लिक करने पे, जिसमें आइटम्स की डिटेल्स आ रही होती हैं और दो बटन्स आ रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये कि हमने रीडायरेक्ट करवाना है कार्ट पेज को जब हम गो टू कार्ट पे क्लिक करें, या फिर जब हम इस कार्ट पे क्लिक करें तब हमें रीडायरेक्ट करवाना है। अब रीडायरेक्शन के लिए सिंस हमें एक न्यू कंपोनेंट जो है वो रेंडर करवाना है, प्रोडक्ट्स को जो है वो हमने बिल्कुल हाइड कर देना है, तो इसका एक तो तरीका है कि हम एप डॉट जे एस में यहाँ पे कोई इस तरह के हैंडलर लिखें जो कि कोई ऐसा फ्लैग ऑन करे कि जिस फ्लैग के ऑन होने पे हम ये डिटरमिन करें कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो प्रोडक्ट्स पेज दिखाओ, अदरवाइज कार्ट पेज दिखाओ। लेकिन इसको करने के लिए एक और तरीका है जो कि वाइडली यूज होता है रिएक्ट ऐप में, वो है रिएक्ट राउटर से रीडायरेक्शन का। रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली एक और पैकेज है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी ऐप में क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन करवा सकते हैं। सो बाय क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन आई मीन के जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से रीलोड कर रहे होते हैं तो हमारा पेज जब रीलोड होता है दैट इज़ सर्वर साइड रेंडरिंग, लेकिन सर्वर साइड रीडायरेक्शन। लेकिन जब हम क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन करवाते हैं तो हमारा पूरा पेज रीलोड होने के बजाय सिर्फ रीडायरेक्शन हो जाती है दूसरे पेज पे, पर वो एक्चुअली होता ही है कि आपका जो जिस पाथ पे आपने मूव करना हो उस पाथ का कॉम्पोनेंट रेंडर हो जाता है और दूसरे पाथ का कॉम्पोनेंट हाइड हो जाता है। तो उससे आपका एक बहुत स्मूद एक्सपीरियंस आता है और आपकी एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सिंस रिएक्ट जो है वो सर्वर पे नहीं, रिएक्ट एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं चल रही होती, बेसिकली यूज़र के ब्राउज़र पे रन हो रही होती हैं, उसकी वजह से ये बहुत फास्ट होती हैं। तो ये रिएक्ट राउटर का जो पैकेज हम यूज़ करेंगे ये भी हमें कुछ इसी तरह की बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम खोलेंगे टर्मिनल, यहाँ हम अपनी ऐप को स्टॉप करेंगे और इसके बाद हम पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये जितनी देर इंस्टॉल हो रही है हम वापस डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ब्राउज़र राउटर एक रैपिंग कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम अपना रूट कंपोनेंट जो है वो रैप करवा देते हैं और उसके अंदर फिर हम राउट्स को यूज़ करते हैं, और उन राउट्स को यूज़ ही हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने अपने कॉम्पोनेंट को, रूट कॉम्पोनेंट को ब्राउज़र राउटर में इंक्लोज किया हुआ होता है। और फिर उन राउट्स के अंदर हम पाथ डिफाइन करते हैं और कौन सा कंपोनेंट हमने रेंडर करवाना है वो डिफाइन करते हैं, जिसके थ्रू फिर हम नेविगेशन करवा पाते हैं। एक चीज़ हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर लेते हैं जो कि हमने नहीं की, वो ये कि हमने हेडर के अंदर एक ही इमेज रखी है जो कि हमें कार्ट पेज पे लेके जाएगी। हमारे पास एक और लिंक होना चाहिए जो कि हमें वापस होम पेज पे लेकर आए अगर हम कार्ट पेज पे खड़े हुए हों। तो यहाँ पे हम ए टैग बना लेंगे जिसके अंदर हम होम लिख देंगे और इसको हम एक क्लास नेम दे देंगे होम टैब के नाम से। चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन में ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम अपने कोड में जाएंगे पैकेज डॉट जेसन की फाइल में, और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि सारे पैकेजेस डिपेंडेंसीज के अंडर लिस्ट डाउन होते रहते हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम 5.2.0 वर्जन जो है वो यहाँ पे हमारे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापस टर्मिनल में जाएंगे, एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो एक न्यू टैब बनाया है होम का वो विजिबल हुआ है या नहीं। तो ये हमारे पास एक और टैब आ गया है होम का, इसको रीपोजिशन हमें करना है या
वापस जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में और यहाँ पे हम होम टैब को इस क्लास नेम को स्पैन पे लगाते हैं और यहाँ पे इसे हम दे देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्ट राउटर के यूजेज को। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे इंडेक्स डॉट जे एस में और यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे ब्राउजर राउटर को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पे रिएक्ट डॉट स्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड से हटा के यहाँ पे हम ब्राउजर राउटर से अपनी ऐप कंपोनेंट को इनरैप कर लेंगे। ऐप डॉट जे एस के अंदर जाके अब बेसिकली हमने अपने राउट्स डिफाइन करने हैं तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और राउट्स के साथ साथ हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे स्विच को। इसको हम कोलैप्स कर देते हैं और नीचे जाके हम एक काम करेंगे वो ये है कि यहाँ पे हम स्विच के कंपोनेंट को ओपन करेंगे और स्विच के कंपोनेंट के अंदर हम राउट्स के कंपोनेंट को कॉल करेंगे इस तरह से रेंडर करवाएंगे और इसमें हम पास करेंगे पाथ और साथ ही हम पास करेंगे कंपोनेंट जो कि हमने यहाँ पे रेंडर करवाना है। तो खाली स्लैश अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा डिफॉल्ट पाथ होगा विच इज़ होम पाथ। तो यहाँ पे कंपोनेंट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो राउट्स डिफाइन कर दिए हैं एक स्लैश और एक स्लैश कार्ट। स्लैश के अंदर हमने प्रोडक्ट्स पेज कंपोनेंट को रख दिया है जो कि हमने एक कांस्टेंट बनाया है जिसमें हमने अपना प्रोडक्ट्स पेज के कंपोनेंट को विद प्रॉप्स सेव करवाए हुए हैं और इसको हमने पास कर दिया है कंपोनेंट एट्रीब्यूट के अंदर और इसी तरह कार्ट पेज को हमने कर दिया है दूसरे राउट के कंपोनेंट एट्रीब्यूट के अंदर। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मैंने कंपोनेंट का सी कैपिटल रखा हुआ है, ये स्मॉल होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ हेडर कंपोनेंट बचा है तो हेडर कंपोनेंट को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे कि यहाँ से हम इसकी इम्पोर्ट हटाएंगे और हम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के अंदर जाके इसको इंपोर्ट करवा के और यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे हेडर कंपोनेंट को रेंडर करवा देंगे। यही काम हम एग्जैक्टली कार्ट पेज में जाएंगे और वहाँ पे जाके भी हम यही काम करवाएंगे और इस तरीके से अब हमारे दोनों पेजेस पे हेडर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप डॉट जे एस में वापस जाके देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने एक स्विच का कंपोनेंट यूज़ किया है और इसके अंदर दो राउट्स पास किए हैं और उन राउट्स के अंदर हमने दोनों पाथ्स डिफाइन किए हैं। है जो कि हमें प्रोवाइड की जाती है रिएक्ट राउटर डॉम की तरफ से जिसमें हम एक फंक्शन पास करते हैं जिस फंक्शन में हमारे पास आ रही होती हैं प्रॉप्स और वो प्रॉप्स हम सेंड करवा सकते हैं अपने कंपोनेंट को। और यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी सेंड करवानी है जो कि हमारा रिएक्ट राउटर सेंड कर रहा है और उसके अलावा फिर हम अपनी सारी प्रॉप्स इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी अब और ये हो जाएगा प्रोडक्ट्स पेज और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा कंपोनेंट पहले की तरह शो हो रहा है।
अब हम कोशिश करते हैं कार्ट पे नेविगेट करने की, लेकिन आप नोट करेंगे कि हमारे पास दोबारा से ये प्रोडक्ट्स पेज खुल गया है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे राउट का कंपोनेंट, बेसिकली स्विच का जो कंपोनेंट है, वो ये काम करता है कि जो उसे पाथ रिसीव हो रहा हो ब्राउज़र के यूआरएल से, वो उसे कंपेयर करता है जितने भी राउट्स पड़े हों उनके अंदर, जितने भी पाथ्स हैं उनसे, और जो पहला फर्स्ट मैचिंग उसे राउट मिलता है या पाथ मिलता है, वो उस कंपोनेंट को रेंडर करवा देता है। तो जब हम कार्ट स्लैश कार्ट वाले पाथ पे नेविगेट कर रहे हैं, तो उसमें भी स्लैश आ रहा है, और स्लैश आने की वजह से ये वाला कंपोनेंट दोबारा से रेंडर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्विच हटा दूं तो हम, और खाली ये दो राउट्स रहने दूं, तो हमारे पास प्रोडक्ट पेज भी रेंडर होगा और उसके नीचे कार्ट पेज भी रेंडर होगा। तो इनमें से कोई एक रेंडर करवाने के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं, और स्विच यूज़ करने के बाद जो हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो यही है कि फर्स्ट जो हमने डिफ़ॉल्ट पाथ रखा हुआ होता है, सिंस वो हर पाथ में इंक्लूडेड होता है, वो क्योंकि खाली स्लैश होता है, तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट ही हर पाथ की नेविगेशन पे रेंडर हो रहा होता है। इसको सॉल्व करने के लिए राउटर हमें एक और प्रॉप प्रोवाइड करता है एग्जैक्ट की, जो कि ये काम करता है कि जब ये एग्जैक्ट पाथ होगा तो वो इस कंपोनेंट को रेंडर करेगा, और जब ये एग्जैक्ट पाथ नहीं होगा तो फिर जो नेक्स्ट राउट है उसमें से जो भी मैचिंग पाथ उसे मिलेगा वो उसे रेंडर करेगा। एप डॉट जे एस में एक्चुअली जाएंगे और यहाँ पे सी स्मॉल होगा। अब हम कार्ट के अंदर जाके, मैंने एक क्लास ऐड की है कार्ट पेज रैपर की, जिसमें मैंने कुछ कस्टम स्टाइलिंग डाली है। अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज हमारी यूआई पे या नहीं। देख सकते हैं कि हमारा कार्ट पेज रेंडर हो गया है। इसमें से जो एक्स्ट्रा मैंने पी टैग डाला था उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे राउट्स सेट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बटन क्लिक पे किस तरीके से रीडायरेक्ट करवा सकते हैं इन पेजेस पे। वापस कोड में जाएंगे और अब हम जाएंगे अपने हेडर की फाइल में, और हेडर की फाइल में इमेज के ऊपर हम एक ऑन क्लिक की प्रॉप डालेंगे, जिसके अंदर हम कॉल करेंगे एक मेथड को जो कि होगा हैंडल रीडायरेक्ट टू कार्ट, और ये हम प्रॉप्स में ही गेट करे होंगे तो हम यहीं पे डिस्ट्रक्चर करवा लेंगे, और हेडर के अंदर ये प्रॉप आ रही होगी एप डॉट जे एस के अंदर से। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे इसी नाम से, जो कि पाथ सेट कर रहा होगा, और पाथ सेट करवाने के लिए एक और अप्रोच यूज़ करेंगे विद राउटर की। विद राउटर रिएक्ट राउटर डॉम हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, बेसिकली ये एक एचओसी है जिसके बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में भी पढ़ा था। आपने जिस भी कंपोनेंट में हिस्ट्री की प्रॉप जो है वो एक्सेसिबल बनानी हो, रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है, जिसके अंदर आप किन किन पाथ्स पे नेविगेट कर रहे हैं या किन पे आपने नेविगेट करवाना है, वो सेव हो रहे होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट आपकी प्रॉप्स में पड़ा हुआ होता है रिएक्ट राउटर डॉम की, और उसे आप किसी कंपोनेंट में एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, तो उस कंपोनेंट को ज़रूरी है कि आप विद राउटर के अंदर रैप करवा दें। सो विद राउटर आप एच ओ सी, और उसमें आप ऐप को, ऐप के कंपोनेंट को पास करवा देंगी। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा प्रॉप्स में से। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री डॉट पुश पाथ किया हुआ है, और ये हिस्ट्री हमारे पास प्रॉप से आ जाएगी। लेट्स सी के ये अप्रोच हमारी सही है या नहीं। सो हमने कार्ट पे क्लिक किया और वो इजीली रीडायरेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने होम टैब पे रीडायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं।
होम का टैब एक क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे लिंक को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इस लिंक को हम यहाँ पे यूज करेंगे लिंक, और इस लिंक के दरमियान हम लिखेंगे होम, और इस लिंक के अंदर हम पाथ नेम में पाथ रिटर्न कर देंगे, जो कि इस यहाँ से हमारे पास रिटर्न हो रहा होगा। const path name is equal to, और इस path name को हम इसे हम path कह सकते हैं, और इसे हम यहाँ पे send कर देंगे। अब इस हिसाब से इस method के अंदर हम कुछ changes करेंगे। यहाँ पे history में push करवाने के बजाय हम simply return कर देंगे इस path को, और बल्कि ये काम करवाने के लिए हमें हैंडलर की भी ज़रूरत नहीं है। हैंडलर की ज़रूरत तब थी जब हम ऑन क्लिक का मेथड लगा रहे थे, तो हम ये मेथड भी रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम पाथ स्लैश से दे सकते हैं। प्रोडक्ट पेज से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, और अब हम चेक करते हैं। ओके, इसको हमें रीस्टाइल करना होगा क्योंकि हमने इस पे से क्लास हटा दी है, तो वो वापस हम डाल लेते हैं। क्लास नेम हमारी थी होम टैब, तो वो हम वापस यहाँ पे डाल लेते हैं, और ये स्टाइल हो गई है। यहाँ पे हम पाथ नेम नहीं, टू की प्रॉप यूज़ करेंगे, और नाउ दिस शुड वर्क एंड इट इज़ वर्किंग। इस तरीके से हमने नेविगेशन इस पे डाल दी है। अब हम अपने मोडाल में जाएंगे, और मोडाल में गो टू कार्ट के लिए भी यही काम करेंगे, बट ऑन क्लिक के साथ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने हैंडलर को दोबारा से क्रिएट करेंगे, और उसमें हम पास करवाएंगे हिस्ट्री को। प्रोडक्ट पेज में हम दोबारा से इसे इस हैंडलर को सेंड करवाएंगे, लेकिन इस बार हम इसे सेंड करवाएंगे मोडाल के ऑन क्लिक के ऊपर, मोडाल के गो टू कार्ट के ऑन क्लिक के ऊपर, कुछ इस तरीके से। हैंडल रीडायरेक्ट टू कार्ट, और इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम हालांकि, तो आप अगर नोट करें तो कंटिन्यू शॉपिंग वाला काम भी नहीं हो रहा, विच मीन्स कि हमारा मोडाल क्लोज हो रहा है ड्यू टू सम अदर रीज़न, और वो अदर रीज़न ये है जो कि हैंडल आउटसाइड क्लिक आउटसाइड के अंदर है। तो बेसिकली ये कंडीशंस जो है वो ट्रू हो रही हैं इन दोनों बटन के क्लिक्स पे, और जिसकी वजह से ये स्टेट को फॉल्स सेट करके मोडाल को क्लोज कर रहा है। तो इसका हल यही है कि हम यहाँ से यहाँ पे एक और एलिमेंट गेट कर लेते हैं बाय क्लास नेम, और वो क्लास नेम होगा उन बटन्स के रैपर का क्लास नेम। सो हम प्रोडक्ट्स पेज में जाके देखेंगे, इसका इन बटन्स के रैपर का नाम है बटन रैपर, और यहाँ पे हम कार्ट मॉडल को रिप्लेस कर देंगे बटन रैपर से, और यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा देंगे।
अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड इज नॉट इक्वल टू बटन, सॉरी इसको हम बटन रैपर का नाम दे देंगे, इज नॉट इक्वल टू बटन रैपर, पे कार्ड को फॉल्स करो। हम होम पे क्लिक करेंगे, वापस प्रोडक्ट्स की पेज पे आ जाएंगे, कार्ट पे क्लिक करेंगे तो कार्ट पेज पे चले जाएंगे, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो मोडाल क्लोज हो जाएगा और हम सेम पेज पे रहेंगे, और गो टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो कार्ट पेज पे चले जाएंगे। तो ये तो था रिएक्ट राउटर डॉम का एक ओवरव्यू, जिसके थ्रू मैंने आपको सिखाया कि आप राउट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं, लिंक्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं, विद राउटर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, राउट्स बना किस तरह सकते हैं, स्विच किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इस सबके थ्रू मैंने आपको एग्जाम्पल से सिखाया कि आप किस तरह से रीडायरेक्शन अपने ऐप में इंक्लूड करवा सकते हैं, चाहे ऑन क्लिक के थ्रू करवाएं, चाहे लिंक कंपोनेंट के थ्रू करवाएं। सो इस लेक्चर में हमने कवर किया लेक्चर वन और लेक्चर टू में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन सबको। इसके अलावा इस लेक्चर में हमने देखा रिएक्ट राउटर को और ब्राउज़र राउटर, लिंक, स्विच, राउट्स और विद राउटर को, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज हमें प्रोवाइड करता है, और हमने देखा कि उसे यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी ऐप में नेविगेशन डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ऐप को लेके चलेंगे और लर्न करेंगे रीडक्स के बारे में, और देखेंगे कि जो शॉर्टकमिंग्स हमारी इस ऐप में है, रीडक्स लाइब्रेरी उन शॉर्टकमिंग्स को किस तरह से सॉल्व कर सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पे मैं एक बोनस लेक्चर भी अटैच करूँगी जिसमें आप कार्ट की UI बनाना सीख सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए अपना कार्ट पेज कंप्लीट कर सकते हैं। उस पेज में कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, पुराने कॉन्सेप्ट्स की ही रिवीजन होगी।